खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इमारतों वाले दिल्ली एनसीआर के कई इलाके भूकंप अलर्ट पर हैं। दिल्ली भूकंप के 30 से 40 एपी सेंटरों की जद में आता है। तीन तीन फॉल्ट लाइन पर बसी दिल्ली में अगर किसी भी फॉल्ट लाइन पर हलचल होती है तो उसका कंपन महसूस किया जा सकता है। दिल्ली पर सबसे ज्यादा खतरा मुरादाबाद फॉल्ट लाइन का है। ये काफी अरसे से शांत है, लेकिन इस लाइन में छोटा सा भी बदलाव पूरे इलाके में भारी तबाही ला सकता है। हजारों मील दूर अफगानिस्तान भी भूकंप का केंद्र रहता है, तब भी दिल्ली कांप उठती है। दिसंबर 2015 की आधी रात को दहशत के झटकों ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली सीज़मिक जोन 4 में आता है। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सीज़मिक जोन 5 में रखा जाता है, यानी दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। दिल्ली जिस इलाके में आती है उसकी जमीन हर महीने 6 से 8 बार हिलती है। इसी साल दिल्ली में भूकंप के कई छोटे छोटे झटके आ चुके हैं। राहत की बात ये रहती है कि इनकी तीव्रता कम ही होती है, फिर भी दिल्ली के ज्यादातर इलाके भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोल बाग। भूकंप पर रिसर्च करने वाली एक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना पार के ज्यादातर इलाकों में बने मकान 6 रिक्टर के भूकंप के झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां हमेशा भूकंप आने का खतरा मंडराता रहता है, बेतरतीब इमारतों की जाल में ये डर बना रहता है कि अगर 6 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया तो बड़ी तबाही हो सकती है। दिल्ली वासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि भूकंप को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। और आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात भूकंप की, जलजले की। कहीं भी किसी भी वक्त बिना किसी आहट के आ जाता है। अब हिंदुस्तान में भी भूकंप से बचाने वाली मशीन आ गई है। एक ऐसी मशीन जिसे अगर बिल्डिंग में लगा दिया जाए तो वो भूकंप आने से पहले ही खतरे का अलार्म बजाने लगेगी। इतना ही नहीं, भूकंप के खतरे को देखते हुए मशीन खुद कई जरूरी कदम उठा सकती है, यानी जलजले से होने वाली बड़ी तबाही को कम कर सकती है। जापान में सुनामी की तस्वीरें करीब 5 साल पुरानी है। पल भर में जापान के ज्यादातर शहर तबाह हो गए। समंदर में आए जलजले ने देखते ही देखते जापान के तटीय इलाकों को एक झटके में उजाड़ दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां माचिस के डिब्बे की तरह तैरने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें कागज के घरौंदों की तरह पानी में समाने लगी। के मामले में अव्वल जापान जैसा देश भी सुनामी से अपने लोगों को बचा नहीं सका। जापान में भूकंप और सुनामी आम बात है। वहां भूकंप और सुनामी की चेतावनी के अलार्म सिस्टम पर भी बहुत काम हुआ है। भूकंप का खतरा हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा है। पिछले साल भूकंप से कई बार हिंदुस्तान की जमीन हिली। पिछले साल नेपाल में आए भूकंप ने तो कई इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। जिनके निशान आज भी काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया का शायद ही कोई एक हिस्सा रहा हो जो भूकंप से डर गया हो, जहां जलजले ने लोगों की जान ना ली हो। आपदा प्रबंधन हिंदुस्तान में बड़े भूकंप की आशंका जता चुका है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर पहले से ही भूकंप का खतरा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भूकंप के डर से चैन की नींद नहीं सो पाते। ऐसे में जर्मनी की कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो भूकंप रोक तो नहीं सकती, लेकिन भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान को कम कर सकती है। चीन है एक तरीके का अलार्मिंग सिस्टम है। जब भूकंप आएगा तो अगर ये सिस्टम आपके घर में प्लेस्ड है
तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार करके डेमो दिखाता हूं। ये टेबल इस वक्त इस कमरे में रखी हुई है और जब भूकंप आता है आप देखते हैं किस तरीके से टेबल हिलती है, और टेबल जब हिलेगी तो ये जो लाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके से ये अलार्म बजेगा, और साथ साथ न केवल ये अलार्म बजेगा बल्कि ये आपको बता देगा कि कितना समय है आपके पास जल्द से जल्द अपनी जगह को खाली करने का, ताकि आप अपनी जान बचा सके। दरअसल इस मशीन को जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज की मदद से बनाया गया है, जो भूकंप आने से करीब 30 सेकंड पहले अलार्म बजा देगी। अब हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करती है। भूकंप का अलार्म जारी करने वाली इस मशीन को बिल्डिंग की दीवार में लगाया जाता है, जो धरती की हर हलचल पर नजर रखती है। इस मशीन का दूसरा हिस्सा अलार्म सिस्टम से जुड़ा होता है। जैसे ही भूकंप की तरंगे धरती के भीतर आगे बढ़ना शुरू करती हैं, ये खतरे का सायरन बजा देता है, जिससे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और भूकंप से होने वाली भारी तबाही में अपनी जान बचा लेते हैं। हरियाणा के न्यू सचिवालय में लगेगा देश का पहला भूकंप की भविष्यवाणी करने वाला उपकरण। जर्मनी का बना हुआ डिवाइस 30 से 40 सेकंड पहले करेगा सचेत। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के न्यू हरियाणा सचिवालय में देश का पहला भूकंप की भविष्यवाणी करने वाला डिवाइस लगने जा रहा है। जर्मनी की एक कंपनी प्रदेश सरकार के सहयोग से ये डिवाइस लगाएगी। ये उपकरण भूकंप से 30 से 40 सेकंड पहले ही भूकंप के बारे में आगाह कर देगा, और चेतावनी देने के बाद ये डिवाइस पूरी इमारत की बिजली और पानी की सप्लाई को अपने नियंत्रण में ले लेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ती हैं, जबकि प्राइमरी तरंगे करीब 5.5 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ती हैं। उपकरण उसी को महसूस करके चेतावनी देता है। इसे इमारत की नींव में लगाया जाता है। गौरतलब है कि भारत का 60% हिस्सा भूकंप के लिए संवेदनशील है, खासकर दिल्ली, पंजाब, जम्मू, हिमाचल और हरियाणा। यहाँ रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। जनवरी में நிலநடுக்கத்தை முன்கூட்டியே அறிய உதவும் கருவியின் செயல் விளக்கம் சென்னையில் செய்து காட்டப்பட்டது. Earthquake warning and security system is very useful. It can be used in the airports, it can be used to stop the trains, it can stop to shut down the industries. It is very useful for the IT industry, because if in case of earthquake they lose data, my device will help them not to lose their data. It's very important for देश के सबसे पहले एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किया। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये भूकंप आने से 30 सेकंड पहले ही सूचना दे देगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुड़गांव से देश का पहला एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया। देश का पहला एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम गुड़गांव के हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया गया है। हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख रही है और बहुत ही जल्द इसे पूरे प्रदेश में लगाने की बात कर रही है। सोमवार को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिपा गुड़गांव में स्थित है, और डॉक्टर एसपी गुप्ता साहब के नेतृत्व में एक नया प्रयोग, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, जो एडवांस वार्निंग सिस्टम, जो 30 सेकंड पहले
पूरे इस क्षेत्र को वार्निंग दे सकते हैं और एक बड़ी घटना होने से बचाया जा सकता है। इस डिवाइस को लगाने में 35 लाख रुपए का खर्च आया है। हालांकि ये उपकरण गुड़गांव के हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही कार्य करेगा। गुड़गांव इज कंसर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन यू द फैक्ट दैट गुड़गांव फॉल्स इन सेस्मिक जोन 4। सेकेंडली एज यू नो दिस इज ए मिलेनियम सिटी एंड हैव मेनी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स and stake is very big. Haryana Institute of Public Administration officials will soon start a campaign to get individuals, corporates, developers and other agencies to adopt this technology in their buildings that will help save your lives. Chanakya Bhatia, NDTV.